I am staying with Fairmont. Today is my birthday and this was a birthday gift from me to me. And अभी मैं हूँ बिल्कुल बाहर होटल के फसाद पे बिल्कुल, तो मैंने सोचा लेट्स क्विकली शूट अ होटल टूर, अ होटल व्लॉग. दिस वॉज अ मस्ट एंड आई एम स्टेइंग विद फेयरमोंट, सो लेट्स गो एंड आई क्विकली गिव यू टूर ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. ओके, सो दिस इज व्हाट द फसाद लुक्स फ्रॉम आउटसाइड. आप यहाँ से आते हो, अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हो एंड देन देर इज इज भैया सिटिंग अप देयर. वो फूल गिराते हैं आपके ऊपर. मैं ऑलरेडी एंटर कर चुकी हूँ, मैं अभी चेंज वगैरह करके आई हूँ. सो ये बाहर से ऐसा लगता है एंड अभी हम जाते हैं अंदर. क्विकली आई विल शो यू एवरीथिंग. एंड यहाँ पे बहुत अच्छा वेलकम होता है आपका. वाओ. ओके, सो आफ्टर द एंट्रेंस ये लॉबी की तरफ जाते हैं. कोई तो अपना सेलिब्रेट कर रहा है 25 इयर्स एनिवर्सरी एंड दिस इज द पाथ फॉर योर टुवर्ड्स द लॉबी. एंड जाते हैं. ओके, सो अब जाते हैं टुवर्ड्स द लॉबी. एंड जब आप लॉबी एंटर करते हो तो यहाँ पे ये लोग आपको देखेंगे म्यूजिक बजाते हुए. एंड ये सुंदर शैंडेलियर्स. ओके, एंड अगेन यहाँ पे बड़ा सा दरवाज़ा आ जाता है. दिस इज देयर मैसिव एंड ब्यूटीफुल लॉबी. वो जो आप देख रहे हो इज द रिसेप्शन एरिया एंड दिस इज द लॉबी. अगेन ये पूरा लॉबी ही है, काफ़ी बड़ा. एंड जैसे आप आते हो कोई ना कोई आ जाता है आपको असिस्ट करने फटाफट से फॉर चेक इन और फॉर समथिंग. एंड आई क्विकली टेक यू टूवर्ड्स माई रूम फर्स्ट एंड देन आई गिव यू द इंटायर होटल टूर. सो एंड जब रूम जाते तो यहाँ पे सोरा ज्वेलरी इन्होंने, मे बी देर आर शॉप्स इन साइड वेर यू कैन शॉप फ्रॉम. एंड ये सब जगह का टूर मैं आपको बाद में देती हूँ, पहले मैं आपको फटाफट से जाके अपना रूम दिखाती हूँ एंड रूम का एरिया. दिस इज़ द ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड एवरी थिंग. ओके, ये है लॉबी एरिया, आई मीन द लिफ्ट एरिया. एंड अब जाते हैं रूम में. ओके, दिस इज़ द थर्ड फ्लोर. यहाँ पे मेरा रूम है एंड दिस इज़ द पैसेज टूवर्ड्स माई रूम. एंड अब फटाफट चलते हैं रूम में. ओके गाइस, सो दिस इज माय रूम. एंड ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग दे हैव गिवन दिस ब्यूटीफुल लिटिल बिट मिठाई कुकीज एंड दिस इज अ मिरर दैट दे हैव. राइट बिहाइंड मी इज दिस मैसिव बाथरूम. मैंने वाइड एंगल कर रखा है अभी एंड आगे लेके चलते हैं. वाइड एंगल भी बहुत बड़ा है. दिस इज द शावर एरिया. काफ़ी क्यूट मुझे तो पता नहीं क्यों ये मेडिटेशन रूम सॉर्ट ऑफ वाइब दे रहा है. एंड इनका टब लिटरली मैं इसमें सो सकती हूँ. ये बहुत बड़ा टब है, इतना बड़ा टब मैंने कभी नहीं देखा. एंड ये है टॉयलेट. देन यहाँ पे बहुत एक बड़ा मिरर है इनके पास. यहाँ पे अगेन बैठ सकते हो आप, मतलब वॉश बेसिन एक इधर, देन एक इनके पास ये इधर है. बहुत सुंदर पूरा वाइब इसका ब्राउनिश गोल्डिश में है. बाथरूम का वाइब बहुत सुंदर लग रहा है. आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स. एंड ओके, अब जाते हैं आगे टुवर्ड्स माय रूम. कहाँ से एंट्री करूँ? ओके, दिस इज माय ब्यूटिफुल रूम. लुक एट एवरी थिंग, मतलब मैं एक एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ. ये इतना सुंदर लग रहा है. एंड दे हैव दिस लैम्प. आई थिंक ये वार्डरोब है. ओके, टू कीप योर स्टफ. एंड छोटा छोटा कॉर्नर दिखाऊंगी मैं. ये इनका बेड है, बेड बहुत बड़ा है. एंड बिफोर आई जंप इन मैंने सोचा फटाफट वीडियो बना लेती हूँ. ब्यूटिफुल बेड. दे ऑल्सो हैव दिस वुडन फैन. एंड ये सामने बैठने के लिए वेरी प्रिटी. एंड देन दिस इज द टीवी. सो आप यहाँ से भी आ सकते हो रूम के अंदर. ये एक एरिया और मैं बाथरूम की साइड से आई हूँ. सो जैसे आप यहाँ से आते हो यहाँ पे छोटा सा कैबिनेट, यहाँ पे आप लगेज रख सकते हो. अभी मेरा लगेज आया नहीं है
very nice bottles, water bottles. नीचे कॉफ़ी वगैरह के लिए सब यहाँ पे है, एंड ये भी यहाँ पे है. ओके, एंड देन अगेन अ सिटिंग एरिया, लिटिल बिट टेबल एंड अ चेयर, मैसिव व्यू. व्यू मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उससे पहले इस तरफ चलते हैं. सुंदर सा ये कारपेट, एंड अगेन आई लव दिस काउच, ये कितना प्यारा लग रहा है. एंड यहाँ पे भी लैम्प, एंड लुक एट दिस बर्ड, ये क्या मतलब एस्थेटिकली कितना सुंदर लग रहा है. मुझे तो बहुत क्यूट एलिमेंट लगा है ये रूम में. एंड लुक एट दिस, एंड देन दे हैव गिवन दिस लिटिल फ्रूट बास्केट. आगे कुकीज दिए उन्होंने, दिस इज द वेलकम थिंग दैट दे गेव अस. एंड लुक एट द व्यू, पूरा होटल दिख रहा है मुझे यहाँ से. नीचे इनका फाउंटेन है और वहाँ पे उधर पूल है. मैं दूसरी तरफ से दिखाती हूँ. ये व्यू इतना प्यारा लग रहा है, एंड एंट्रेंस इतनी प्यारी हुई थी मेरी, फूल गिरा उन्होंने मेरे ऊपर. आई ट्राई टू इंसर्ट अ क्लिप. एंड वो पूल है, पूल काफ़ी डिफरेंट वियर्ड शेप का है. मैं नीचे से जाके दिखाऊंगी जब मैं पूरे होटल का व्लॉग बनाऊंगी. ये सामने अरावली हिल एंड पूल व्यू, एंड आई थिंक ये साथ वाला जो इनका होटल है इज ली मेरिडियन, मतलब दैट्स अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, बट ये फेयरमोंट है. ऊपर थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो जो बाकी डिटेल्स है वो मैं आपको अभी बताती हूँ. सो दिस इज देयर रेस्टोरेंट बार एरिया, एंड लेट मी क्विकली ग्रैब समथिंग फॉर माई सेल्फ. आई विल ऑल्सो टेक यू आउटसाइड एंड गिव यू अ व्यू फ्रॉम द आउटसाइड. This is their bar, and look at this beautiful sitting that they have. Very pretty. Gin, hums. Okay. Okay. Now I'll take you outside. Oh. Or there is my room. No, that's not my room. I don't know where is my room. Okay. Okay. So ये है facade, and यहाँ पे आज किसी की wedding है. वो यहाँ पे कोई puppet show वगैरह कुछ होगा. I remember they said कि यहाँ पे कोई show होगा. ये hotel बाहर से है, and ये कोई puppet show की तैयारी चल रही है इधर अभी, which we'll enjoy soon. अब मैं लेके चलती हूँ नीचे पूल एरिया पे, एंड पूल देखते हैं वहाँ पे जाके. अब हम जाते हैं पूल की तरफ, एंड उसके बाद हम जाएंगे जिम, सारा दिखाऊंगी. ओके, तो ये है छोटा सा किड्स पूल, एंड ये है बड़ा सा पूल जहाँ पे इस टाइम काफ़ी भीड़ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं. वाओ, इनके पूल टाइमिंग्स हैं 8 बजे से तक. सॉरी, वाव, लुक एट दिस स्प्रेड. बेलीज ट्वी, ओके. डिनर तो बहुत ही यम्मी लग रहा है मुझे अभी से. ओके, हाका नूडल्स, जीरा, कॉर्न मसाला, वाओ, ओ वाओ, चिकन सैलड्स, देख सारे नॉन वेज सैलड्स. देन यू हैव बटर फ्राइड फिश. ओके, नाउ वी गो टूवर्ड्स द जिम, एंड बाहर से जिम बहुत सुंदर लग रहा है. ओके, एंट्री फ्रॉम स्पा रिसेप्शन, लेट्स गो इनसाइड. ओप्स, ओके,
सो अब हम जाते हैं स्पा स्टीम सोना की तरफ. फॉर इन हाउस गेस्ट्स इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री. एंड जाके दिखाती हूँ. ओके ओके देयर आर गर्ल्स इन देयर सो आई विल नॉट बी एबल टू शूट. दिस इज़ क्यूट. ओके सो दिस इज द जकूजी एंड दिस इज द सोना रूम एंड दैट इज द स्टीम रूम. ओके लेट्स गो इन. दिस इज फेमोंट्स रूफटॉप राइट हियर. बहुत सुंदर इनका रूफ टॉप है. एनीबडी कैन एक्सेस इट. यहाँ पे काफ़ी सुंदर वीडियोस पिक्चर्स क्लिक हो सकते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम. लुक्स रियली वेरी नाइस. सो आई हैव चेक्ड आउट एंड हेडिंग बैक होम. दिस वॉज द इंटायर ब्लॉग. आई इन्जॉयड माई स्टे हियर. आप इधर आराम से दो रातें तीन रातें रुक सकते हो. बहुत मतलब बहुत कुछ सुनिए होटल में करने को बट स्टिल यू विल इन्जॉय. एंड ये जयपुर के अंदर नहीं है, जयपुर से बाहर है. ऑन द आउटस्कर्ट्स द एरिया इज कुकस. सो आप इधर आओ. यहाँ पे तीन चार होटल ही हैं. यहाँ पे आउटस्कर्ट पे एक लीला है, फेयरमोंट है, देन देयर इज ली मेरिडियन. बट द वन दैट रन्स द मोस्ट विच आई हर्ड इज फेयरमोंट. सो द प्राइस फॉर दिस होटल विल रेंज बिटवीन 13,000 to 15,000 पर रूम पर नाइट विच इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट. And you have options, of course, for buffet or a la carte, dinner or lunch, whatever you want. And आप easily को कहीं भी book कर सकते हो. इसका price usually यही रहता है. And then peak season का I am not really sure, but अभी off season है जयपुर का. But उस हिसाब से भी the price I think would remain the same, be it peak or off season. And this was it. बहुत मज़ा आया. So I paid 14,000 for this reservation and every penny is worth it. This hotel purely speaks royalty. एट पार सर्विस. बहुत बहुत वेलकमिंग होटल. इतना सुंदर. मतलब ऑफकोर्स इट डज गिव अ फील ऑफ राजस्थान एंड ऑल दैट रॉयल फील. बट दी होटल इन इट सेल्फ इज मैग्निफिसेंट. रूम साइज वॉज मैसिव. और इनका जो रूम में बाथटब है, ओ माई गॉड. मैं आई एम वेरी शॉर्ट. आई मीन आई एम 5'2". मैं तो डूब जाऊँगी अंदर. बहुत बड़ा है. दो के चार पाँच बंदे, चार पाँच से भी तीन चार कैन कम इन दैट बाथटब. इट इज मैसिव. मैंने इतना बड़ा बाथटब कभी नहीं देखा. एंड बहुत मज़ा आया. सो या आई होप यू हैज इन्जॉयड दिस लिटिल होटल व्लॉग. द वेलकम इज़ वेरी नाइस. एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस. सो आई होप यू हैज इन्जॉयड इट. एंड इफ़ यू plan to stay here, I would highly recommend. 10/10 come stay here. This was it and I'll see you guys in my next video. And before signing out, do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys in my next video. Till then, toodles.